दैट बोथ आर स्पेक्स, ठीक है। कह रहे हैं कि पहले आपने कार्ड में से जो पैक है उसमें से आपने एक कार्ड निकाला है आपने, और फिर आपने उसके बाद दूसरा कार्ड निकाला है। अब कह रहे हैं कि आपको इसकी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी के दोनों कार्ड जो है वो आपके पास स्पेड्स निकले आपके पास, ठीक है। अच्छा केस आपके पास यहाँ पे दो है, पहले में लिखा हुआ है कि इज प्लेस बिफोर द सेकेंड ड्रॉन, कि जब हम दूसरा कार्ड निकाल रहे हो, ठीक है, तो हमने जो पहला कार्ड बाहर निकाला था वो भी हम वापस डाल दें। तो पहला केस तो यहाँ पर ये है। दूसरे केस में कह रहे हैं कि इज नॉट रिप्लेस बिफोर द सेकेंड ड्रॉन, दूसरा निकालने से पहले आपने जो पहला वाला कार्ड है वो वापस नहीं डालना है पैक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये दो केसेस हैं आपके पास, सही है। अच्छा बहुत से बच्चे जो मतलब कि न्यू ज्वाइन किया है, तो पहले तो जरा वो कार्ड के बारे में थोड़ा सा ना वो जान लें। आपके पास जो पैक होता है कार्ड्स का, उसमें आपके पास फोर होते हैं कार्ड्स, मीन्स के एक आपके पास होता है स्पेड, एक होता है क्लब, ठीक है, फिर आपके आता है हार्ट, और फिर आपके आता है डायमंड, सही है। स्पेड है आपके पास, क्लब है, हार्ट है, डायमंड है। स्पेड एंड क्लब दोनों आपके पास जो होते हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं। मैं कुछ ट्राई कर लेता हूँ कि शेप बन जाए शायद यहाँ पे थोड़ी। यानी पान के पत्ते की शक्ल का, सही है, ब्लैक कलर का होता है ये। क्लब आपको जो है वो गोभी की शेप, इसको बहुत से बच्चे यहाँ पे चुड़िया भी कहते हैं अगर जो वैसे खेल रहे होते हैं लोकल, वो इस तरह का होता है। ये दोनों आपके पास ब्लैक कलर के होते हैं। हार्ट तो आपको पता है कि हार्ट ही होता है वो बना हुआ, ये रेड होता है, और एक होता है डायमंड आपके पास रम्बस शेप का, वो भी आपके पास रेड होता है, सही है। टोटल कार्ड्स होते हैं आपके पास यहाँ पर 52 होते हैं, 13 आपके पास स्पेड, 13 क्लब, 13 हार्ट, 13 डायमंड है आपके पास। अच्छा यहाँ पे जो आपके पास फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं साइड पे फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब है कि जिस कार्ड में आपके पास क्या बना हुआ, फेस बना हुआ, तो वो आपके होते हैं किंग, क्वीन, जैक होते हैं, ठीक है, किंग, क्वीन एंड जैक, यानी तीन तीन कार्ड होते हैं चारों के अंदर, किंग, क्वीन, जैक यहाँ पर भी होंगे, तीन तीन यहाँ पर होंगे, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, यानी टोटल प्लस 12 होते हैं फेस कार्ड। अब बात करें फिर इसमें आते हैं एक कहते हैं, ACE एक, और बहुत से लोग उसे वो भी कहते हैं, इक्का भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो वो आप इसके होते हैं वो बन होता है, एक का मतलब होता है लिखा हुआ होता है उसके ऊपर ए लिखा हुआ होता है, उस कार्ड पे नंबर नहीं होता बल्कि क्या लिखा होता है, ए लिखा हुआ होता है, तो ये भी वन 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 होता है, यानी टोटल आपके पास जो होंगे एक पूरे पैकेट के अंदर वो होंगे फोर। फिर आप बात कर रहे हैं नंबर कार्ड्स की, तो नंबर कार्ड आपके पास होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी टोटल आपके पास एक कलर के 9 होते हैं आपके पास, ठीक है, 9 नंबर कार्ड्स होंगे, 9 नंबर कार्ड्स होंगे, 9 और 9, ठीक है। अगर आप इन चारों इन तीनों को ऐड करें तो ये बन जाएंगे, टोटल 13 बन जाएंगे आपके पास यहाँ पे। नंबर कार्ड्स तीन आपके पास फेस कार्ड है, एक एक है, और 9 आपके पास जो है वो नंबर कार्ड्स हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है। तो जब हम इन सबको आप ऐड करेंगे तो बन जाएंगे टोटल यहाँ पर 52 बन जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पे ना बात हो रही है फेस कार्ड की, ना बात हो रही है एग की, ना बात हो रही है यहाँ पे नंबर कार्ड की, यहाँ पे डायरेक्ट बात कर रहे हैं किसकी, स्पैड की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपसे यहाँ पे, सही है। तो स्पैड जो आपके पास यहाँ पे कितने हैं, टोटल 13 आपके पास, सही है। अब हम बात करते हैं पहले केस की, लिखा हुआ कि अच्छा आपको फाइंड करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर स्पेड्स। आपको एक पैकेट में से दो कार्ड निकालना है, पहले एक कार्ड निकालना है फिर आपको दूसरा कार्ड निकालना है। पहले केस में लिखा हुआ है कि इज प्लेस बिफोर द सेकेंड ड्रॉन, ड्रॉन आपके पास
जब आपने पहला कार्ड निकाल लिया और वो निकल गया आपके पास, स्पैड निकल गया, तो अब आपने वो कार्ड वापस उस पैकेट में डाल देना है और फिर दोबारा ही कार्ड निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं, पहले केस की निकाल लेते हैं। आपके पास रहेगा पी ए डॉट बी आपके पास यहाँ पे। तो पहला केस क्या आपके पास कि पहला कार्ड जब आप निकाल रहे हैं तो टोटल जो आपके स्पेड है वो कितना आपके पास यहाँ पे 13 है। वापस कितने हैं अगर उसको निकालना है तो कॉम्बिनेशन निकालने का, तो वो बन जाता आपके पास 52 और 1, सही है, और मल्टीप्लाई बाय दोबारा आप क्योंकि कार्ड को वापस डाल रहे हैं तो आपके पास चेंज नहीं होगा, और कॉम्बिनेशन आ गया 52 में से एक कार्ड ही निकालना है आपको यहाँ पे, क्योंकि आप बारी बारी निकाल रहे हैं, दो कार्ड एक साथ नहीं निकाल रहे, ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। तो पहले जब इसको करेंगे सॉल्व तो आपके पास, क्योंकि जब नीचे 1 लिखा हुआ हो तो आपका जो आंसर होता है वही रहता है जो ऊपर लिखा हुआ है, वो आपके पास हो गया 13/52 और यहाँ पर भी जाएगा 13/52, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लें, 13 1s are 13 4s are 13 1s are 13 4s are 1 1s are 1 और तो थोड़ा साइड राइट साइड कर दें पेपर, ठीक है बेटा, सही बेटा, यस सर ठीक है। तो पहला आपने यहाँ पर केस को सॉल्व किया आपने यहाँ पर, तो आपका 13/52 है और यहाँ पर भी किया आपके पास 13/52, दोनों को डिवाइड किया आपके पास यहाँ पर निकल गया 1/4 × 1/4, 1 1s are 1 and 4 4s are 16, यानी आपने जब आपने दो कार्ड निकालने बारी बारी और पहला कार्ड निकालने के बाद आपने वापस उस कार्ड को डाल के दोबारा से निकालना है, तो आपका जो आंसर है वो क्या निकलेगा 1/16 निकलेगा, ठीक है। सेकंड केस में लिखा हुआ कि इज नॉट रिप्लेस बिफोर द सेकंड ड्रॉन, जब आप दूसरा निकालेंगे तो आपने पहले वाले को रिप्लेस नहीं करना है, उसको आपने बाहर ही रखना है कार्ड को, सही है। तो वहां पर जो है आपके पास क्या हो जाएगा सेकंड केस के अंदर, पहला जो आपके पास है वो तो आपके आपको पता है कि वो बिल्कुल सेम ही रहेगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। पहला जब कार्ड निकालेंगे तो वहां उस पैकेट के अंदर जो स्पैड है वो 13 है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया ऊपर 13/ और टोटल कार्ड्स कितने आपके पास यहाँ पे 52 है आपके पास, तो वो तो बिल्कुल सेम रहा। लेकिन जब दूसरा कार्ड निकालेंगे और आपने पहला कार्ड रिप्लेस भी नहीं किया है, तो अब ऊपर यानी कि उस पैकेट के अंदर जो स्पैड है वो 13 नहीं रहेंगे बल्कि अब कम हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 12। तो यहाँ पे आएगा 12/1 और यहाँ पे आप लिख लेंगे, अब यहाँ पे कार्ड भी एक कम हो चुका है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 51, सही है। यहाँ पे आ जाएगा 13/52 मल्टीप्लाई बाय 12/51, इसको आप सॉल्व कर लें यहाँ पे 13 1s are 13 13 4s are 16, सही है। अच्छा 4 1s are 4 and 4 3s are 12, यानी आपका जो आंसर है आपके पास हो गया 3/51, बल्कि ये आपके पास मजीद भी डिवाइड हो रहा है 3 1s are 3 and 3 17s are 31, तो आपका जो आंसर है वो हो गया 1/17, यानी कितने परसेंट आपके पास चांसेस हैं कि आप जो कार्ड निकालें वो दोनों कार्ड क्या निकलें स्पैड निकलें, सही। इसमें कोई प्रॉब्लम इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोग पूछ सकते हैं? नो सर मच क्लियर है, ठीक है। चले मैं आपको इसकी
प्रेजेंटेशन भी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। ओके ओके बिल्ला।